फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल। सो हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम्स। सो एज यू कैन सी कि मैं यहाँ मेट्रो में हूँ। सो व्लॉग का आई थिंक टाइटल देखकर आपको पता लग गया होगा कि मैं कहीं ना कहीं जा रही हूँ एंड मैं क्या सेलिब्रेट कर रही हूँ। ऑब्वियसली मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही हूँ। सो या गाइज, मैं अपने ब्रदर के साथ ना ये जा रही थी, यानी कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन है। सो मैं चर्च जा रही थी एंड ऑल्सो मैं मंदिर के दर्शन करने जा रही थी। सो मैंने सोचा कि वाई नॉट, यू नो, कि अगर हम मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आज क्रिसमस भी है, सो वाई नॉट टू गो चर्च। एंड ऑल्सो अभी मेट्रो में हम लोग एंटर कर रहे हैं एंड या बस ना मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। सो मतलब ज़्यादा रश नहीं था और फ्री फ्री सी थी मेट्रो। एंड ऑल्सो ये मेरा आउटफिट था और यहाँ से बस अब मैं एग्जिट करूँगी, लाइक जो मैंने पहना था। सो यहाँ से एग्जिट करती हूँ। बट ये सच में जब मैंने यहाँ एग्जिट किया था ना, ये जो कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन था, नो नॉट कश्मीरी गेट, लाल किला मेट्रो स्टेशन, यहाँ इतना ज़्यादा रश था, बहुत ज़्यादा, मतलब लाइन इतनी इतनी लंबी थी बिकॉज ऑफ ऐसी ही नो क्रिसमस का टाइम है। और यहाँ दूर थी बिकॉज इसके पास भी चर्च है, सामने वाला हम लोग नहीं जा रहे हैं। एंड यहाँ ना बहुत डर लगता है एक्चुअली रिकॉर्ड करने में भी, बिकॉज यू नो यहाँ पे ना बैग पिकर्स अभी बोलते हैं, या बैग पिकर्स बहुत हैं, मतलब चोर और चक्के जो होते हैं वो सब में बहुत है। और यहाँ बस हम मंदिर में एंटर कर रहे हैं एंड ऑल्सो यहाँ बस शूज़ वगैरह रिमूव करेंगे एंड देन मैं दिखाती हूँ। सो ये स्टेयर्स हैं एंड आई थिंक ना यहाँ पे ना शायद वीडियोग्राफी या फोटोज लेनी अलाउड नहीं थी। सो मैं जितना रिकॉर्ड कर पाई, लाइक मतलब चुपके चुपके से, मतलब कोई देख नहीं रहा था, तो मैंने इतना रिकॉर्ड कर लिया है जो आप लोगों को ब्लॉग में देखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज हर जगह वीडियोग्राफी नहीं अलाउड होती। सो यहाँ गाइज या सो ये देखिए, यहाँ लिखा है चैरिटी बर्ड्स हॉस्पिटल, जो आई थिंक सबको पता होगा लाल मंदिर में वो है। सो मैंने ये वीडियो इसलिए ही रिकॉर्ड की थी कि ये नॉट टू शो कि हाँ मतलब हम लोगों ने दान किया ये, ताकि आप लोगों ना यू नो कभी कभार क्या होता है, हम ना चीज़ें भूल जाते हैं कि हाँ हमें कुछ डोनेट करना है, ये करना है। सो मैंने बस इसलिए ये वीडियो रिकॉर्ड की थी ताकि यू नो मतलब लोग मेरी वीडियो देखें एंड उनको भी कुछ मोटिवेशन मिले कि जो भी बर्ड्स घायल हो जाती हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ पर उनका इलाज होता है एंड वो लोग यहाँ के डोनेट कर सकते हैं, पूरा बर्ड हॉस्पिटल है। और सो मैंने सोचा कि ये क्यों ना एक अच्छा मोटिव लेकर इस वीडियो को रिकॉर्ड भी किया जाए। और सो मैं यहीं पे बर्ड्स हॉस्पिटल में जा रही हूँ, ये एंट्रेंस। अरे ये तो सीखने लग गए, अच्छा चले जाए ना आगे तक। नहीं ये बात तो नहीं, नहीं बोल रही। ये इसमें आधे सही हैं आधे बीमार है ना, लोग छोड़ जाते हैं यहाँ पे। तो गाइस देखा आपने ये वीडियो, और इसका जो वॉइस ओवर था ना वो मैंने नहीं हटाया था, बिकॉज यू नो आपको मेरी जो रियल टॉक्स होती है कि कैसे मैं इन माय रियल लाइफ की मतलब क्या क्या टॉक्स होती है, क्या बात करती हूँ, ताकि वो आप लोगों को पता चले।
तो हमारे जो मंदिर वगैरह के दर्शन थे और जो पूजा पाठ था वो सब हो चुका था। और फिर यहाँ पे हम लोग आ गए थे बाहर, मतलब ये जो मेन रोड है, एंड ऑल्सो हेयर वेयर वॉकिंग एंड यू नो, यहाँ पे ना लाइक जब से ये बना है इतनी मतलब अच्छा भी लगता है, बट ना रश भी बहुत होने लग गया। लाइक क्रिसमस से तो आज बहुत ज़्यादा रश था, बट स्टिल वी आर इन्जॉइंग डेट या कि हम लोग आ गए हैं एंड यू नो दर्शन करें। सो ये है गौरी शंकर मंदिर जो लाल मंदिर के बिल्कुल पास है, मीन्स ये जैन टेम्पल और हिंदू टेम्पल बिल्कुल पास है एंड ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन दिस एरिया। और आगे जो है वो आगे चल के गुरुद्वारा आएगा। सो हम लोग गुरुद्वारे तो नहीं गए थे बिकॉज यू नो लाइक इवनिंग में ही आए थे, सो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता, अदरवाइज दर्शन ज़रूर करते गुरुद्वारे में भी हम लोग। सो यहाँ पे हम लोग बस चल रहे हैं और ये मैंने लाइक जो शूट किया था ना आप लोगों को दिखाने के लिए किया था कि कैसा यहाँ पे यू नो लाइक नज़ारा है, कैसा यह व्यू लग रहा है रात के टाइम पे। शॉपिंग के लिए यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे ना हम एक शॉप पे आए थे, सो यहाँ हमने ऑर्डर किए थे छोले भटूरे एंड ये स्वीट लस्सी। सो अच्छे थे छोले भटूरे ऑलमोस्ट एंड यू नो मतलब मन कर गया देख के, और सर्दी भी हो रही थी एंड ये देखिए कितने फूले भटूरे। सो आप सोच रहे हो एक भटूरा पीता बिकॉज हम पहले एक आए थे एंड देन वो सिक रहे थे, सो डेट्स व्हाई। सो यहाँ पे अब हम लोग जाएंगे चर्च और ये देखिए हम लोग चर्च पहुँच गए हैं, पास में ही है चर्च, बट यू नो ड्यू टू कोविड आउटसाइडर्स नहीं अलाउड थे, चर्च भी बंद था एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने परचेज की थी कैंडल जो कि मैंने पहले मेरा जो ब्रदर है वो कैंडल जलाना था चर्च के बाद, मैंने उसका रिकॉर्ड कर लिया था एंड ऑल्सो टेन पर मैं अपना रिकॉर्ड कर दी बिकॉज एक तो यहाँ यू नो लाइक एक तो सिक्योरिटी भी थी जो मतलब लाइक जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो बार बार हम लोग बैठे प्लीज वियर योर मास्क एंड जो यू नो जो भी लाइक बैगर्स वगैरह थे या जो भी वेंडर्स थे जो रोड साइड वेंडर्स होते जो लोग बैठे हुए थे उन्हें हटा रहे थे। और यहाँ पे मैं अपनी कैंडल जला रही हूँ एंड रश बहुत था बट अच्छा लगा कि एटलीस्ट चलो हमने लाइक क्रिसमस पे आए एंड ऑल्सो कैंडल जलाई। आई नो डैट बस चर्च बंद था तो वो भी ज़रूरी था बिकॉज कोविड यू नो डे बाय डे बढ़ता जा रहा है जब से ये थर्ड वेरिएंट आया है कोरोना का। सो यहाँ पे जस्सी ये है चर्च, ये चांदनी चौक का चर्च है, ये भी बहुत पॉपुलर है। सो मैं एक बार आई हुई हूँ लाइक दो तीन साल पहले लाइक क्रिसमस वाले डे में, सो अदरवाइज मैं अंदर का भी दिखाती जो मैं शूट करती, बट अच्छा लगा, डेकोरेशन बहुत प्यारी थी एंड यू नो वो अच्छा रहा। आप लोग यहाँ परचेजिंग कर सकते हैं अलग अलग पर्पज के लिए। सो यहाँ ये कैंडल्स वाले जो वेंडर्स लेके बैठे थे, जो ये कैप भी लेके बैठे थे क्रिसमस कैप, सो यहाँ पे हम लोग यू नो फोटो क्लिक कराने वाले थे। और आगे चलते चलते ये आ जाते गुरुद्वारा जहाँ पे बहुत ज़्यादा यू नो गुरुद्वारे में सच में बहुत ज़्यादा सफाई वगैरह होती है, मतलब बहुत ज़्यादा क्लीन था ये रोड भी एंड ऑल्सो यहाँ पे हम लोग ना मोमोज खा रहे थे और बिल्कुल हल्दीराम के पास ही है और यहाँ हमने खाई थी फ्रूट आइसक्रीम। हम लोग हल्दीराम में गए थे वो आपको देखने को मिलेगा आगे। सो ओवरऑल मतलब अच्छा रहा, लाइक मैंने ऐसे सेलिब्रेट किया अपना क्रिसमस एंड यू नो बहुत अच्छा लगा कि गॉड की ब्लेसिंग्स मिल गई एंड हम लोगों ने दर्शन भी किए। तो यहाँ पे ये जो फ्रूट आइसक्रीम है ये ना ये फ्रूट क्रीम होती है नॉट आइसक्रीम, तो ये क्रीम क्या होती है इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऐड होते हैं, तो या तो आप कप में ले लो या ऐसे कोल्ड में ले लो, बट बहुत डिफरेंट इसमें फ्रूट्स होते हैं और ये जल्दी पर डालते हैं। तो यहाँ मैं हल्दीराम मांग रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हल्दीराम है, इतना रश था ना हल्दीराम में बहुत ज़्यादा। सो मुझे ना कुछ नमकीन वगैरह परचेज करनी थी, सो बस मैंने ये परचेज किया था हल्दीराम से। सो यही था मेरा छोटा सा ब्लॉग, आई होप अच्छा लगा हो, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल।